हेलो दोस्तों, हमारा डेयरी फार्म चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पशुओं की AI यानी कि पशु को गाभिन कब करें, जो ब्याह के बाद पशु को गाभिन करते हैं तो कितने टाइम बाद पशु को AI करवानी चाहिए या पशु को गाभिन करवाना चाहिए। तो इस जानकारी को आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों जैसे कि हमारे गाय या भैंस है जब ब्याह में आती है तो हमें इसकी AI कब करवानी चाहिए, पशु को गाभिन कब करवाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा पशु ब्याह के बाद हीट में आता है 1 महीने में या 1.5 महीने में, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि तभी हमारे पशु जो होते हैं उन्हें गाभिन करवा देते हैं। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो हमारे पशु को गाभिन अगर करवाना है तो 3 महीने के बाद ही पशु को गाभिन करवाना चाहिए, AI करवानी चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है कि हम पशु को पालते कैसे, इस चीज़ के लिए कि हमारा पशु ज़्यादा दूध दे, ज़्यादा टाइम दूध दे। तो अगर आप सिर्फ पशु से बच्चे ही लेते रहोगे तो आपका पशु कभी भी दूध नहीं देगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि आपके पशु को जो है ब्याह के 3 महीने बाद ही आपको AI करवानी चाहिए। 3 महीने से पहले आपको कभी भी पशु की AI नहीं करवानी है, क्योंकि अगर आप 3 महीने से पहले ही AI करवाओगे तो आपका पशु दूध कम देना शुरू कर देगा और आप पशु से पूरा दूध नहीं ले पाओगे, क्योंकि पशु पहले 3-4 महीने ही दूध ज़्यादा देता है। उसके बाद क्या होता है कि पशु का दूध कम होना शुरू हो जाता है और पशु धीरे धीरे दूध कम कर देता है। तो जैसे हमारी जो गायें होती हैं वो 9 महीने 10 दिन में ब्याह में आ जाती है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए कि तकरीबन 1 साल में आपको पशु जो गाय है हमारी 1 साल में एक बच्चा दे तो सही है। अगर आप 10 महीने में या 11 महीने में बच्चा लोगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ आपको बहुत सा लॉस होगा, क्योंकि आप पशु से पूरा दूध नहीं दे पाओगे। पहले 3-4 महीने अगर आप दूध ले लोगे उसके बाद पशु को गाभिन करवाओगे तो आपको दूध भी पूरा मिलेगा और आपका पशु सेहतमंद भी ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हम पशु को गाभिन करवाएं कब, तो दोस्तों सर्दियों का मौसम जो होता है वो पशु का दूध देने का मौसम होता है। अगर आप किस तरीके से पशु को गाभिन करवाओगे कि आपका पशु सर्दियों के शुरू में ब्याह में आ जाए तो आपका पशु दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में देगा। अगर आपका सर्दियों के बाद आपका पशु ब्याह में आता है तो आपका पशु दूध कम देगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको कि जो गाभिन करवाना है वो उस तरीके से करवाना है कि आपका पशु सर्दियों के शुरू में ब्याह में आ जाए, पूरी सर्दियाँ आपको दूध देगा और जब गर्मियाँ शुरू होने ही लगेगी तो आपका पशु गाभिन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।